कुर्बानी का जानवर हो उसका अगर सींग टूट जाए तो कुर्बानी होगी या नहीं होगी? अगर कुर्बानी के जानवर का सींग जड़ से टूटा है, कहाँ से? आमतौर पर जड़ से टूटता नहीं, ऊपर से खौल उतरता है, यह थोड़ा सा जो है ना यूं टेढ़ा हो जाता है, इसमें तो कोई हरज ही नहीं। अगर जड़ से टूटा है और जख्म दुरुस्त हो गया है, इस सूरत के अंदर कुर्बानी हो जाएगी। समझ में आ गई है? मैं पूरी तसली से कह रहा हूँ, वो जिम्मेदारी मेरी है। मतलब किसी को शक हो ना यार ये कैसे हो सकता है, तो इंशाल्लाह ये कुतुब हनफिया की जो अरबी किताब है इंशाल्लाह उससे ही हवाला होगा। हम उर्दू की तरफ भी नहीं आएंगे कि किसी के जहन के अंदर वो शायद किसी अपने की लिखी होगी, नहीं, वो जो हमारी फ़िक्र हनफी की मोतबर मुस्तनद मोतमद हैं जिनको बतौर इफ्ताह में इस्तेमाल किया जाता है, उनसे बात दिखाई जाएगी कि ये चीज़ है। हाँ, अगर ज़ख़म अभी भरा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ और सींग टूटा है जड़ से, बात समझ में आ रही है ना, जड़ से टूटा है, ज़ख़म अभी भरा नहीं है, अभी जारी है, इस सूरत के अंदर फिर कुर्बानी नहीं होगी। समझ में आ गई?